जब मैं सदाकत आश्रम के बरामदे में सो रहा था, भगत सिंह ने मुझे आकर के जगाया। मैंने उसे खींच करके अपने पास तख्त पर लिटा लिया और 3-4 घंटे तक वैसे ही लेटे लेटे बातचीत करता रहा। और फिर सुबह में दीघा घाट जाने वाले स्टीमर से भगत सिंह को विदा कर दिया। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज किस्सा भगत सिंह का, और भगत सिंह का किस्सा पटना से जुड़ा हुआ। पटना भगत सिंह कब आए, कहाँ ठहरे, किस सिलसिले में आए थे, किससे मिले थे, इसके बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले धन्यवाद, आभार उन साथियों को जिन्होंने हमारे शोध कार्य के लिए आर्थिक मदद की। और इस किस्से को जानने से पहले ये जानना होगा इस किस्से से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को, जिनका नाम था जयचंद्र विद्यालंकार। कौन थे ये जयचंद्र विद्यालंकार? जयचंद्र विद्यालंकार का नाम क्रांतिकारियों के इतिहास में हर जगह मिलेगा जब आप अध्ययन करेंगे तो। भगत सिंह के दौर में ये लाहौर में थे, और नेशनल कॉलेज जहां भगत सिंह पढ़ते थे वहां पर ये शिक्षक थे। और साथ ही जो उस समय क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था उसके पंजाब के प्रमुख भी थे। तो जो भी सूचनाएं आती थी लोगों को जोड़ने का क्रांतिकारी दल से, या पर्चा बांटने का, या क्रांतिकारी बाहर से जो आते थे लाहौर में तो उनको ठहराने का, ये सब काम इनके जिम्मे रहता था, जयचंद्र विद्यालंकार के जिम्मे। और साथ में ये कॉलेज में पढ़ाते भी थे, और वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे विद्यार्थियों को ये छांटते थे जिनमें राष्ट्रीय चेतना हो। ऐसे छात्रों में ही मिले थे भगत सिंह, सुखदेव, यशपाल, भगवती चरण बोरा, धनवंतरी वगैरह। भगत सिंह को इन्होंने नज़दीक से देखा, भगत सिंह को पढ़ाया। जब भगत सिंह की शादी जबरदस्ती उनके घर वाले करने पर तुले हुए थे तो कानपुर जयचंद्र विद्यालंकार के ही मदद से भगत सिंह जा पाए थे, और विद्यालंकार जी ने एक चिट्ठी लिख करके साथ में दी थी। तो सभी काफ़ी अधिक सम्मान करते थे। तो ये जो आज का किस्सा है वो जयचंद्र विद्यालंकार के हवाले से है, जो क्रांतिकारियों में काफ़ी अधिक सीनियर थे, योगेश चंद्र चटर्जी से लेकर के सचेंद्रनाथ सान्याल वगैरह सबसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, और उन्होंने ये संस्मरण लिखा है। जयचंद्र विद्यालंकार ने भगत सिंह पर जो अपना संस्मरण लिखा है उसी में वो लिखते हैं अपने बारे में कि 1927 तक मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी, और उसी दौरान मुझे पीलिया हो गया। इस दौरान सुखदेव ने मेरी काफ़ी अधिक सेवा की, और इसी दौरान मेरा एक स्टूडेंट था बलदेव बिहारी। जयचंद्र विद्यालंकार ने जिस बलदेव बिहारी के बारे में लिखा है वो, जहाँ तक हमारा शोध बताता है, कि बलदेव नारायण के बारे में लिखा है। बलदेव नारायण बिहार के एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, और बलदेव नारायण के बारे में ये हमें मिली जानकारी शोध के दौरान कि उनकी पढ़ाई लाहौर में हुई थी, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में। बलदेव नारायण के बेटे कुमार शुभमूर्ति के मुताबिक बलदेव नारायण ने अपने बीए की डिग्री वहाँ जो लाहौर में है, बलदेव नारायण ने तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से बीए की डिग्री ली थी। जयचंद्र विद्यालंकार लिखते हैं कि बलदेव बिहारी के मार्फत बिहार विद्यापीठ के आचार्य बद्री प्रसाद ने मुझे बिहार आने का निमंत्रण दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस नाम को भी लेकर के एक कन्फ्यूजन है। जयचंद्र विद्यालंकार ने लिखा है बद्री प्रसाद, आचार्य बद्री प्रसाद। हमने बिहार विद्यापीठ में इस सिलसिले में पता किया कि आखिर 1927-28 में वहाँ इस तरह के नाम के कौन थे, तो पता चला कि उनका नाम था आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, जो 1927-28 के दौरान वहां महामंत्री के पद पर थे। बिहार विद्यापीठ के वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय प्रकाश, उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि कुछ कागजात पर जो 27-28 के हैं वहां महामंत्री के जगह आचार्य बद्रीनाथ वर्मा का हस्ताक्षर है। बहरहाल उन्होंने लिखा कि बलदेव बिहारी के मार्फत बिहार विद्यापीठ के आचार्य बद्री प्रसाद ने मुझे बिहार आने का निमंत्रण दिया। मैंने तब पंजाब छोड़कर बिहार जाने का निर्णय किया। तो इस तरह से जयचंद्र विद्यालंकार आकर के पटना में रहने लगे।
एक और चीज जान लीजिए कि जिस बलदेव बिहारी की बात हुई यानी बलदेव नारायण, वो जब पटना आए तो वो भी बिहार विद्यापीठ में ही रहने लगे थे, यहाँ शिक्षक भी बने वो, और पहले इनका संबंध था क्रांतिकारी दल से, काफी अधिक प्रभावित भी थे, फिर बिहार आने के बाद ये गांधीवाद से जुड़ गए, गांधी से जुड़ गए, तो फिर वो भी चले आते हैं जयचंद्र विद्यालंकार बिहार विद्यापीठ में, भगत सिंह के शिक्षक और पंजाब में जो कभी क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे, और बिहार विद्यापीठ में रहने लगे। और फिर अपने संस्मरण में आगे जयचंद्र विद्यालंकार ने लिखा है कि अचानक एक दिन उन्होंने अखबार में पढ़ा सैंडर्स के मर्डर की कहानी, और तब फिर उस समय ही मैंने अनुमान लगा लिया कि ये निश्चित रूप से भगत सिंह के दल ने ही ये काम किया है। जिस तरीके से सैंडर्स को मारा गया था उससे पूरा का पूरा यह अनुमान लग जाता है, और मैंने यह अनुमान लगा लिया कि उन्हीं के साथियों का ये किया हुआ है। आगे विद्यालंकार जी ने लिखा है कि सैंडर्स के मर्डर के एक या दो सप्ताह बाद जब मैं सदाकत आश्रम के बरामदे में सो रहा था, भगत सिंह ने मुझे आकर के जगाया। मैंने उसे खींच करके अपने पास तख्त पर लिटा लिया और 3-4 घंटे तक वैसे ही लेटे लेटे बातचीत करता रहा, और फिर सुबह में दीघा घाट जाने वाले स्टीमर से भगत सिंह को विदा कर दिया। जयचंद्र विद्यालंकार ने दीवा घाट लिखा है, लेकिन वो दीघा घाट है, जो पटना के बिहार के लोग हैं वो जानते होंगे। तो इस तरह से दीघा घाट से फिर भगत सिंह लौट जाते हैं। इसमें एक जगह का फिर से जिक्र आया, सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम में ही दरअसल है बिहार विद्यापीठ है। जब असहयोग आंदोलन चला और बहुत सारे सब जगह छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी, उस समय एक ये बना जो स्वतंत्रता सेनानी थे और खास करके जो टॉप के लीडर थे उस समय, उन लोगों ने योजना बनाई कि कुछ ऐसे विद्यालय खोले जाएं जहां पर अपने हिसाब से पढ़ाई हो, स्वदेश प्रेम की पढ़ाई हो, अपने देश से अपने देश को जानने समझने की पढ़ाई हो, और फिर विद्यापीठ खोले गए देश में। तो बिहार में पटना में सदाकत आश्रम में ही जगह काफी थी और बिहार विद्यापीठ वहां खोला गया था, जिसके पहले वीसी कुलपति बने थे मौलाना मजहरुल हक, और वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे। सदाकत आश्रम में ही 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। सदाकत आश्रम अब भी है। भगत सिंह पटना में सदाकत आश्रम में आए थे। आगे जयचंद्र विद्यालंकार ने यह भी लिखा है कि भगत सिंह ने पूरे विस्तार से बताया कि कैसे कैसे सैंडर्स को मारा। वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर सैंडर्स को जब मार दिया, भागने लगे, तो एक सिपाही चनन सिंह ने पीछा भी किया, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने कहा खबरदार, और फिर उसे शूट कर दिया चंद्रशेखर आजाद ने, चूँकि वो ठहर नहीं रहा था। ये बातें सारी विस्तार से हुई, और फिर ये भी उसमें उन्होंने जोड़ा है कि इससे पहले ही बिहार वो सीधे जयचंद्र विद्यालंकार के पास नहीं आए थे। भगत सिंह आए थे बिहार में, एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, बड़े क्रांतिकारी थे, सीनियर कह लीजिए क्रांतिकारियों में, योगेंद्र शुक्ल, उनसे मिलने आए थे, और योगेंद्र शुक्ल से ही पता किया था कि जयचंद्र विद्यालंकार हैं कहाँ, या पटना के सदाकत आश्रम में क्या क्रांतिकारी दल से जुड़े भी लोग हैं, और वहां से योगेंद्र शुक्ल ने उन्हें बताया था कि पटना के सदाकत आश्रम में ही अभी जयचंद्र विद्यालंकार हैं, और वहां जाकर के वो उनसे मिले। जयचंद्र विद्यालंकार के इस संस्मरण में कई नाम गलत तरीके से लिए गए हैं, तारीख भी स्पष्ट नहीं है। जैसे उन्होंने बद्रीनाथ वर्मा को, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा को बद्री प्रसाद कहा, जैसे उन्होंने बद्रीनाथ को बद्री प्रसाद लिखा है, दीघा घाट को दीवा घाट लिखा है, या इसी तरह से बलदेव नारायण को बलदेव बिहारी लिखा है, तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जिस समय की ये बात है, जिस समय की ये घटना है, आज़ादी से पहले इन बातों को वो कहीं भी कह नहीं सकते थे, दर्ज नहीं कर सकते थे, लिख नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे, तो इसके कारण वो बस उन्हीं तक बात रही, तो इसलिए वो लंबे समय तक तो बात दबी रही। और इस संस्मरण को विद्यालंकार ने लिखा है करीब 25-30 साल बाद। 25-30 साल बाद जब आप किसी घटना के बारे में लिखते हैं तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर नहीं रहती। इन गलतियों के पीछे ये बातें समझ में आती हैं। ऐसे भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में जयचंद्र विद्यालंकार बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। इस संस्मरण से यह स्पष्ट है कि 1928 के दिसंबर के आखिरी दिनों में भगत सिंह पटना सदाकत आश्रम में आए थे। तो ये वो कहानी है कि भगत सिंह पटना में कब आए।
पटना में और अधिक भी आए होंगे, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। क्रांतिकारी दल के एक सदस्य थे यशपाल, जो प्रसिद्ध लेखक भी रहे हैं। यशपाल ने अपनी प्रसिद्ध किताब सिंहावलोकन, जो क्रांतिकारी जीवन पर पूरी तरह से केंद्रित है, क्रांतिकारियों पर, उसमें उन्होंने लिखा है कि भगत सिंह ने दल को जोड़ने के लिए, पूरे देश में विस्तार करने के लिए और एक सूत्र में सभी क्रांतिकारियों को बांधने के लिए बनारस, पटना, लखनऊ, कानपुर और लाहौर को एक कर दिया और कई बार इन जगहों पर वो कई बार 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 आए गए। ये लिखा है यशपाल ने। लेकिन कहाँ आए, कैसे ठहरे, क्या उन्होंने कहा, किससे मिलने आए, इसका जिक्र अभी तक हमारा जितना भी शोध चला है उसमें एक ही ये कहानी मिली, जयचंद्र विद्यालंकार के संस्मरणों में। ये कहानी पटना के साथियों के लिए है, खास करके पत्रकार साथियों को इससे अब काफ़ी मदद मिलेगी, अगले साल से वो लिख सकते हैं, चूंकि 23 मार्च पर कभी भी भगत सिंह को पटना से जोड़ते हुए कोई बात नहीं लिखी गई। ये कहानी थी भगत सिंह के पटना आने की। आप समझ गए होंगे कि भगत सिंह कहाँ आए थे, किस सिलसिले में आए थे। और अगर अधिक बार पटना आए हैं और कोई प्रमाण स्पष्ट तौर पर है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को खत्म होने से पहले फिर से आग्रह कि हमें अपना शोध कार्य लगातार जारी रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक मदद की जरूरत है। अगर आप सक्षम हैं तो हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक खाते का विवरण आ रहा होगा, इस खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप इसके माध्यम से हमें मदद कर सकते हैं। एक और मदद कर सकते हैं आप सभी कि इन वीडियोज को, इन कहानियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग समझ सकें कि इस देश के लिए क्रांतिकारियों ने कितना अधिक बलिदान दिया है, कितना अधिक संघर्ष किया है और उनका लक्ष्य क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, वो किस भारत के निर्माण में लगे हुए थे, वो चाहते क्या थे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।